आपको मजा है, मैं डूब रहा था तब, थोड़ा गले पे नमक रख रहा है। अरे शिवा एक बात बताइए, अक्सर आप एक ही एयरफोन्स में नजर आते, ऐसा क्यों? एक मेरा गिर गया है। नहीं नहीं, मेरा एक ना गाड़ी में रखा है मैंने, चार्जिंग कैसे था अपने वो जुगाड़ वाले लोग ना इंडियन, एक लगा था इसका चार्जिंग खत्म हुआ, सेकंड लगा पूरा दिन काम चलना चाहिए ना। फिर सर अगर हम बात करें, रोहित सर ने आपकी काफी अप्रिसिएशन किया है, जब आपको ऐसा मराठी का विनर, बिग बॉस, क्या कहना चाहोगे उसको लेके? काफी रोहित सर आपको अप्रिशिएट कर रहे थे। यार वो पर्सन मुझे अकेले को नहीं, रोहित शेट्टी पूरे कंटेस्टेंट को करते हैं, पर मेरे सब को मैं बड़े भाई की तरह मानता हूँ। और आपने देखा भी होगा तो सर सब कंटेस्टेंट को जिनसे स्टंट होते भी नहीं उनको भी पुश करते हैं, और मेरे को एज अ होस्ट खतरों के खिलाड़ी इसके अलावा भी और रियल लाइफ में भी बहुत इंस्पायर करते हैं। उनका एक लाइन था कि 100 रुपये का काम है तो 1000 रुपये की मेहनत करना चाहिए, वो मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, और इसीलिए मुझे लगता है वो बॉन्ड है मेरा सर के साथ। मतलब उधर भी खतरों के खिलाड़ी में मैंने बहुत मस्ती की है सर के साथ। यार रोडीज में एज अ कंटेस्टेंट और फिर से वो चेयर तक आना बहुत बड़ी बात है, और मैं बहुत खुश, ब्लेसिंग है मेरे साथ, इसीलिए मैं वहाँ तक पहुँचा, क्योंकि बहुत रोडीज है और बहुत लोग ये भी प्रे करते हैं कि ऐसी जो जर्नी ये जो मैं जी रहा हूँ वो बहुत रोडीज की इधर है, मतलब विश लिस्ट में, तो मैं लकी हूँ कि वो मैं जी रहा हूँ और वो चेयर तक पहुँचा हूँ, और आगे बढ़ने में आप लोग वो यार प्यार करते हो तो तब तक वहाँ तक भी जाएंगे। बट क्या कहना है इस बार, यू नो प्रिंस तो है ही है, सोनू सूद, गौतम गुलाटी और रिया चक्रवर्ती, जो गैंग लीडर आपके वक्त में वो सब चेंज हो चुके हैं एक्सेप्ट प्रिंस, क्या कहना चाहिए? मुझे अभी तक भी लगता है कि रणविजय सर के बिना रोडीज अधूरा है, बट प्रिंस भाई है तो वो जिंदा है, वो वाला रोडीज वाला स्पिरिट होता है। आप जितने लोग देखोगे जो भी आता है कंटेस्टेंट प्रिंस भाई के गैंग में जाना चाहता है, और मेरे भी फेवरेट प्रिंस भाई है। अगर मैं अभी कंटेस्टेंट होता तो मैं प्रिंस भाई, अभी कोई अगर जितने गैंग लीडर है तो मैं प्रिंस भाई के गैंग में जाता। शिव आपके साथ काफी गलत हुआ था बिग बॉस के अंदर, आपकी मिर्ची डाली गई थी, उसी तरह एल्विश को भी जहर पिलाया गया, जैसे कि डिटर्जेंट पिलाया गया पानी के अंदर, तो क्या कहना चाहोगे? डिटर्जेंट भी एक जहर जैसा होता है, क्या कहना चाहोगे इसको लेके? पॉइजन जैसा पिलाया चीज ना, पूरी पता नहीं बट आपने मुझे बताया, पानी एल्विश यादव ने पानी मांगा था उनसे, जिया शंकर से, तो एल्विश यादव को उन्होंने हैंड वॉश मिलाकर पानी दिया पीने, डिटर्जेंट उन्होंने आधा ग्लास पानी पी चुके, और बिग बॉस ने भी नहीं रोका, मतलब मेकर को रोकना चाहिए ये चीज, पॉइजन। बिग बॉस कैसे रोकेंगे, उनका मेन दुकान है, वो चलता है उनके। पर मेन एक होता है कि आप गेम कितना भी खेलो, आपको ट्रॉफी जरूरी होती है, पर इतना मत खेलो कि आप इंसानियत भूल जाओ। तो मुझे पूरा चीज़ पता नहीं है, बट पानी, खाना, ये ऐसी चीज़ है ना कि हम एक बार अपनी ट्रॉफी छोड़ देंगे पर वो पानी के वक्त और खाने के वक्त ये गेम के बीच में नहीं आना चाहिए, तो जिसने किया वो गलती होगा। सलमान भाई ने बोला इसके बारे में कि जी, और मुझे लगता है भाई होता है ना कि हम पूरा वीक वेट करते हैं कि इस चीज के लिए किसी ने डांटना चाहिए, तो सलमान भाई ने बोला ही होगा, लेकिन ऑडियंस ने उसके पहले ही बोला होगा कि यार ये गलत हो रहा है। बट एक होता है कि ट्रॉफी, पैसे, सब बाद में, पहले होती इंसानियत, मुझे लगता है वही सिखाया जाता है अपने को, तो बिग बॉस में जाके वो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपने पूरा बिग बॉस अच्छी तरह से खेला, अर्चना ने खेला, जो एंटरटेनमेंट आप लोगों ने दिया, ट्रॉफी दूसरा कोई लेके गया, इसमें भी मनीषा राय जो पूरी एंटरटेनमेंट कर रही है उसको कहा जा रहा है कि ये कुछ नहीं कर रही है अभी बिग बॉस के अंदर, एंटरटेनमेंट नहीं कर रही है, तो क्या कहना चाहिए? बिग बॉस कहीं ना कहीं बायस हो जाते हैं। दादी को आने दो, दादी को आने दो। आंटी जी आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, तू भी चले जा। अरे यार ये मिल नहीं रहा, सिपा इधर करो यार। पांडे तू भी चले जा। नहीं नहीं चलेगा, उनको मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है, ये बहुत खर्चा करते पैसा उनसे सामने। अरे क्या बात है, क्या बात है, डाउन टू अर्थ सिपा, ये वाला गोल्डन आर्ट।
क्या बात है, ठीक है, थैंक यू भाई। अभी आप डालोगे तो मेहनत करेंगे सिख भाई। चलो चलो, अभी हो गया, धन्यवाद। नहीं नहीं, एक लेते हैं भाई को थोड़ा भरा ही ना। छोटू पांडे को बिग बॉस में जाना है। बिग बॉस एक हाथ में। थैंक यू भाई, इधर देखो भाई, भाई इधर इधर। चलो माजी गाड़ी आली, धन्यवाद। ये तुम लोगों को कैसे पता चलता है सच्ची भाई? आपका एक चिप लगा है आपके अंदर हम लोगों ने। अच्छा होगा मैं किसी के साथ डेट पे नहीं जा रहा। अरे मुझे पता आप किसको डेट कर रहे हो, मुझे पता आप किसको डेट कर रहे हो। पांडे को तो पता है। यस यस यस, मुझे भी नहीं पता मैं किसको डेट कर रहा हूँ, तुझे क्या पता है? शिव भाई को पता है पांडे किसको डेट कर रहा है। हाँ ये बहुत है, हाथ पकड़ के घूमते रहता है। और भाई वो एक लड़के के साथ फोन है, तुम तो गुस्सा दे रहे हो। पांडे क्या कर रहे हो, घूम रहा है इसके साथ। चला धन्यवाद भाई, पांडे लड़के के साथ नहीं घूमने का।